पनीर की एक ही जैसी सब्जी बना बना कर आप भी तो बोर ही हो गए होंगे, तो मेरी तरह आज आप भी ट्राई कीजिए कुछ नया। ये तवा पनीर जो बन गई इतनी ज्यादा टेस्टी कि उंगलियां चाट चाट करके खाएंगे। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं ये लाजवाब सी तवा पनीर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलका, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाजवाब सी तवा पनीर बनाने के लिए हमें पनीर ही लेना है, लेकिन बनाने का तरीका कुछ अलग है। तो पनीर को हमने कट करके ले लिया है, ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में पनीर को कट कर लें, और प्याज को भी बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके उसकी सारी लेयर अलग कर लेना है, और शिमला मिर्च को भी बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है, मिर्ची को बीच से फाड़ कर लेना है, और लहसुन को भी बीच से फाड़ कर लेना है। कोई भी तवा लेना है, नॉन स्टिकी या फिर डोसा तवा या लोहे का तवा, उस पे डालना है थोड़ा सा मूंगफली का तेल और साथ ही एक चम्मच देसी घी डाल दें। अभी हम इसमें तड़का लगाएंगे दरदरा किया हुआ धनिया, यानी कि साबुत धनिया को दरदरा कर लेना है, उसका तड़का लगाना है, और जो लहसुन और मिर्ची को हमने बीच से फाड़ कर लिया है उसको डालेंगे। इसे हल्का सा सुनहरा कर लेंगे। जैसे ही लहसुन और मिर्ची हल्की हल्की सी सुनहरी होने लगेगी, गैस के फ्लेम को एकदम लो कर देना है, और लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है। तो गैस के फ्लेम को लो करने के बाद ही इसमें डालें शिमला मिर्च और प्याज, ये दोनों हमें साथ ही डालना है, और फटाफट से इसे मिला देना है ताकि लहसुन और मिर्ची जले नहीं। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे तो कुछ भी नहीं जलेगा, और एकदम लो फ्लेम पर पकाएंगे तो अच्छा सा टेस्ट भी आएगा। अभी साथ में हम पनीर भी डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएँ तब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर। मसालों में सिर्फ हमें धनिया पाउडर डालना है। अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए इसी देगी मिर्च डाल देंगे, नमक स्वादानुसार डाल देना है। बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाते हुए भून लेना है। जब तक सब्जी में मसाले अच्छे से मिल न जाए तब तक इसे फटाफट से चलाते रहे। जैसे ही मसाले सब्जी में अच्छे से मिल जाए तब इसे हमें ढककर पकाना है, और ये सब्जी हमें गलाना नहीं है, बस शिमला मिर्च और प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, इसका क्रंच बना रहना चाहिए। अगर ये गला देंगे तो फिर इसका टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसे बीच बीच में चलाते हुए बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेना है। प्याज और शिमला मिर्च हल्की हल्की सी सॉफ्ट होनी चाहिए, बस फिर टेस्ट इसका ज़बरदस्त आता है। अभी आप देख सकते हैं ये सब्जी अच्छे से पक गई है, एकदम बढ़िया सी ये सॉफ्ट सॉफ्ट सी लग रही है, ना तो गली है और ना ही कच्ची है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसे पका लेना है। तवे पर ये शिमला मिर्च पनीर और प्याज अच्छे से भुन गई है। पनीर का कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा आया है, और ये सब्जी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। बस धनिया को मिला दिया है, अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। ये सब्जी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, इतना आसान है इसको बनाना, बहुत ही कम मसालों का यूज करना है, और खाने में लाजवाब लगती है, सोंधापन जबरदस्त रहता है। पनीर की इतनी टेस्टी और इतनी आसान सी सब्जी आज तक कभी आपने खाई नहीं होगी, तो इसे फटाफट से बनाइए, खाइए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब्जी कितनी ज़्यादा पसंद आई। ये सब्जी आप अपनी मनपसंद तंदूरी, सिंपल सी रोटी या पराठों के साथ खा सकते हैं। गजब का सोंधापन है, बहुत ही लाजवाब बनी हुई है। तो देर किस बात की, फटाफट से ये सब्जी बनाइए, खाइए, और वीडियो पसंद आए तो आगे भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको ये लाजवाब सी तवा पनीर बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी टेस्टी लाजवाब एकदम नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।